वेलकम टू जुनूस किचन। आज मैंने चिकन का टिक्कास बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये जो चिकन टिक्कास बनता है ये बहुत स्पेशल है, जब भी आप बनाएंगे तब सब लोग उसका तारीफ़ करेंगे, इतना अच्छा बन के रेडी होता है और सबको पसंद आएगा, इतना टेस्टी बनता है। बहुत इजी और बहुत टेस्टी एक रेसिपी है और बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान है। तो ये कैसे बना रही हूँ देख लीजिए। चिकन टिक्कास बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, हाफ किलो से थोड़ा कम है, 400 ग्राम के करीब होगा मेरा चिकन पीसेस है और उसको फर्स्ट मैरिनेट करना है। तो फर्स्ट मैरिनेशन के लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए देख लीजिए। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 लेमन है। तो ये सारे चीज़ें चिकन में डाल के अभी फर्स्ट इसमें मैरिनेशन करने के लिए डाल देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/2 टीस्पून और लेमन जो है 4 पीसेस करके उसका 1 पीस ले लिया है, तो 2 टीस्पून होगा जूस, इतना मेजरमेंट होगा। अब ये सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सिंग करके चिकन के साथ में फ्रिज के अंदर उसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, जितना देर हो सकता है कवर करके मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रिज के अंदर रखेंगे तो अच्छा मैरिनेशन हो जाएगा। अब सेकेंड मैरिनेशन का इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। 1 टेबलस्पून रोस्टेड ग्राम लिया है, बेसन को सिंपली तावा में रखे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है मैंने। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक या फिर वाइट पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून कार्ड लिया है। कार्ड को बीट करके इसमें यूज़ करेंगे, बीट करके डालेंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स सेकेंड मैरिनेशन के लिए चाहिए हम लोगों को। कर्ड को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ऐसे मिक्सिंग कर लेंगे प्रॉपरली और उसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो दिखाए थे ड्राई मसाला सारे डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे। ऑयल को अभी नहीं डालना है, दही को अच्छी तरह से बीट होने के बाद पाउडर्ड मसाला डाल दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है ताकि कोई लम्ब्स ना रह जाए। अब मेरा जो मैरिनेटेड चिकन पीसेस है उसको निकाल दिया है फ्रिज से, उसको दही के साथ अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। ये मेरा सेकेंड मैरिनेशन प्रोसेस है। तो इसमें दही और जो मसाला वाला जो मिक्सचर बनाया था उसमें ही डाल दिया है चिकन पीसेस को और अच्छी तरह से मिक्सिंग करके इसको भी ढक्कन लगा के मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे और एक हाफ एन आवर या फिर 1 आवर जितना टाइम है आपके पास रख सकते हो। अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गया है, अब इसको कवर करके मैं फ्रिज के नॉर्मल चैम्बर जो होता है उसमें मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। मैंने 1 आवर तक मैरिनेट किया है अपना चिकन पीसेस को और 1 आवर तक स्कीवर्स को भी पानी में रखा है। वुडन स्कीवर्स कभी भी जब यूज़ करेंगे आप तब यूज़ करने से पहले इसको पानी में भिगो के रखना है, जितना देर हो सकता है फुल पानी में उसको भिगो के रख के फिर यूज़ करना है। अब मैं मैरिनेटेड चिकन में ऑयल डाल दिया है, जो डिस्प्ले में 1 टेबलस्पून ऑयल दिखाया था वो डाल दिया है और ऑयल डाल के भी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लिया है। अपना जो स्कीवर्स है वो अच्छी तरह से भीग गया है, अब उसमें चिकन पीसेस को प्लेसिंग करते रहेंगे। आपके पास अगर स्कीवर्स नहीं है तो जो मैरिनेटेड चिकन है वो उसको डायरेक्टली तावा में ऐसे ही फ्राई करके सेम सही टिक्कास बना सकते हैं, विदाउट स्कीवर्स भी कर सकते हैं। तो मेरे पास स्कीवर्स है, उसमें डाल रही हूँ मैं। स्कीवर्स में ऐसे प्लेसिंग करेंगे हम लोग चिकन का, सारे पीसेस को एक एक करके ऐसा स्कीवर्स में डालना है। ज़रूरी नहीं है कि स्कीवर्स में ही डालने से टिक्कास बनेगा, बिना स्कीवर्स से भी टिक्कास बनता है, मैं वैसे भी बनाती हूँ। जो अभी जो मैरिनेटेड चिकन में इसमें प्लेस कर रही हूँ, यही मैरिनेटेड चिकन को डायरेक्टली तावा में रख के इसको पानी ड्राई होने तक फ्राई करके फिर इसको ग्रिल कर लेंगे तो अच्छा टिक्कास बन जाएगा। अब मैं ऐसे ही सारे पीसेस को स्कीवर्स में डाल रही हूँ। सारे पीसेस स्कीवर्स में अरेंज हो गया है, अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। अब एक तवा रख दिया है और उसको मैंने हीट कर लिया है। अपना जो स्कीवर्स में चिकन पीसेस लगाया है उसको अभी इधर प्लेस कर लेंगे।
तो यही बोला है मैंने, अगर आपके पास स्कीवर्स नहीं है तो डायरेक्टली तावा में चिकन पीसेस को डाल के इसको अच्छी तरह से ऐसे टिक्कास बना सकते हैं। बट स्कीवर्स में होने से क्या होता है, बहुत जल्दी होता है और अरेंज्ड होगा, जैसे कि वन साइड ज़्यादा वन साइड कम ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए स्कीवर्स में डालते हैं। स्कीवर्स नहीं होने से भी बना सकते हो आराम से, थोड़ा केयरफुली बनाना है, जैसे हर जगह में अच्छी तरह से फ्राई होना है। तो मेरा जो प्लेट में जितना मसाला था वो भी मैं इसके ऊपर कोटिंग कर लिया है। अब इसको कवर करके थोड़ी देर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसको अभी थोड़ा सा बटर का कोटिंग कर लेंगे और बटर का कोटिंग करने के बाद ही उसको कवर करके फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ना वन साइड हो जाता है। बटर कोटिंग अच्छी तरह से कर लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून होगा बटर यूज़ किया है। एक 5 to 7 मिनट्स होगा मैंने ऐसे ही कवर करके इसको रखा है, तो अच्छी तरह से इसमें से पानी निकला है। और देखती हूँ, देखिए मिडिल में से कुछ कुछ पीसेस नहीं हुआ है, साइड में से हुआ है, तो अभी टर्न करके सबको एक बार दे देंगे। ऐसे ही फ्राई करते रहना है, टर्न करके करके 2-3 मिनट्स के बाद इसको टर्न करके देना है। ऐसे प्रोसेस में ही इसको फ्राई करना है। तो वापस मैं कवर करके दे रही हूँ इसको, 2-3 मिनट्स के बाद मैं टर्न करके करके दिया है और हर तरह से हर साइड से फ्राई हो गया है टिक्कास। देखिए कितने अच्छी तरह से फ्राई हो के रेडी हुआ है और मसाला जो है वो बिल्कुल चिकन के साथ में लग के बहुत अच्छी तरह से रेडी हुआ है। तो अब जो स्कीवर्स है उसको मैं ग्रिल करूँगी, उसके लिए मैंने एक ग्रिल रख दिया है। डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर ग्रिल में भी कर सकते हो। तो अभी मैंने एक ग्रिल रख के अपना जो स्कीवर्स है उसको डायरेक्ट फ्लेम लगने के लिए ऐसे ही रख दिया है। सारे जो स्कीवर्स होंगे उसको डायरेक्ट हीट में, डायरेक्ट फ्लेम में एक बार सेक लेंगे उसको। तो उसमें से क्या होता है, बहुत ही अच्छा एक टेस्ट होता है और इसका फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया होता है। तो अपना जो स्कीवर्स है ऐसे कर लेंगे फ्लेम में, डायरेक्ट फ्लेम में। अब सारा स्कीवर्स को एक साथ में ग्रिल के अंदर रख के इसको डायरेक्ट फ्लेम दे रही हूँ। इसका परफॉर्मेंस ऐसा डायरेक्ट फ्लेम देने से बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छा होता है और खुशबू जो होता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा होता है। अब बटर कोटिंग कर सकते हैं। बटर कोटिंग होने से जूसी होता है बहुत जो टिक्कास बनेगा वो। अब क्या करेंगे, अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो स्कीवर्स को ऐसे डायरेक्टली हाथ में पकड़ के फ्लेम के ऊपर रख के इसको सेक सकते हैं, तो इसमें भी ऐसा ही परफॉर्मेंस मिलेगा जैसे ग्रिल में मैंने किया है। ग्रिल में होने से एक साथ में हो जाता है और स्कीवर्स में होने से दो दो करके करना पड़ेगा। अब मैंने अपना चिकन टिक्कास को सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है और भी थोड़ा सा बटर कोटिंग कर लेंगे। टोटल 2 टेबलस्पून होगा मैंने बटर कोटिंग किया है इसमें। अब मेरा चिकन टिक्कास रेडी हो गया है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसीला और बहुत ही अच्छा खाने में। तो ये बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिए।